सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हाय हाँ, अभी सुन पा रही हूँ आपको। मैंने आपको बताया था कि बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, तो वो सभी को मैनेज करना है। करेक्ट करेक्ट, आपने कहा था नेटवर्क इश्यू, लेकिन मैंने आपको बहुत इंसिस्ट किया था कि आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज ये बहुत ही बिग डे है हमारे लिए कि एक साल हो गया इस फिल्म को रिलीज हुए, और इत्तेफाकन हम लोग साथ में शूट कर रहे थे किसी दूसरे फिल्म की, और एक ही थिएटर में हम लोग सारे लोग तकरीबन गए थे उस फिल्म को देखने के लिए। हाँ, गोरखपुर गए थे हम लोग यूनाइटेड सिनेमा हॉल में। हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। पहले जितने लोग देख रहे हैं हमें, सबको मैं अरविंद अकेला कल्लू प्रणाम करता हूँ, नमस्ते, गुड इवनिंग। एंड अभी तो ऐसा चल रहा है हमारे देश में, नहीं पूरे विश्व में, कोरोना जैसी महामारी, ये ऐसी बीमारी है कि कब किसको पकड़ ले रहा समझ नहीं आ रहा। तो अभी सब लोग अपने घरों में रहिए, फिर से लॉकडाउन लग गया। मैं जहाँ पे हूँ यूपी में, तो मैं अभी घर पे हूँ। कितने से कितने दिनों का लगा हुआ आपके? अभी तो 3 दिनों के लिए लगा हुआ है, बट ऐसा लग रहा है कि फिर से बढ़ाया जाएगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग प्लीज, आप लोग घर पे रहें। और मैं तो बहुत कम ही निकल रहा हूँ घर से, क्योंकि 1-2 दिन हुआ होगा इधर बीच, क्योंकि सावन चल रहा है अभी, तो सावन के गानों के लिए, एल्बम के लिए बस निकला था। बट आज अच्छा लग रहा है कि इस लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम मोबाइल का कैमरा इससे ही मुस्कुरा रहे हम लोग। एक्चुअली मैं यही सोच रही थी कि अगर कोरोना नहीं होता तो आई गेस जिस लेवल पर राजतिलक फिल्म गई है, तो हम लोग शायद प्रदीप सर एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहे होते और हम तमाम कलाकार जितने भी यूनिट के लोग जुड़े हुए, हम लोग वहां पर सेलिब्रेट कर रहे होते। और मेरे ख्याल से आपको भी पता चला ना कि मोस्ट हाईएस्ट टीआरपी और जीआरपी इस फिल्म की गई है टेलीविजन पर। हाँ, सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया था, और जब टीवी पे आई तो आप लोगों ने जितने बार आई, मैं ही इस लॉकडाउन में कम से कम 10 बार देख लिया होऊंगा, तो अच्छा लगता है प्रीमियर सिनेमा है। तो सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगा प्रदीप सर को, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर है बाबा मोशन पिक्चर के, एंड रजनीश सर जिन्होंने मुझ पर ये जिम्मेदारी दी कि नहीं कर लू तुम कर लोगे, क्योंकि मैं सोचता था कि हाँ कर लू, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदर ये था कि यार जब सुशील भैया की डेथ होती उसके बाद मैं वो गंभीरता वाली रोल कर पाऊंगा या नहीं। अरे वो कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन था आपका, क्योंकि सुशील जी का वॉकिंग, सुशील जी की चाल ढाल सब आपको एकदम कॉपी करनी थी, वो बहुत मुश्किल है किसी भी एक्टर के लिए। तो रजनीश सर ने कराया, तो रजनीश सर को थैंक यू, एंड स्पेशली थैंक यू मैं बोलना चाहूंगा अवधेश मिश्रा जी को। देखिए बोला जाता है ना कि अगर मैं बाबा मोशन से जुड़ा हूँ तो अवधेश मिश्रा जी का बहुत बड़ा देन है, तो थैंक यू सो मच। एंड हमारे टीम के जितने लोग हम दोनों थैंक्स कहते सब, फर्स्ट ऑफ ऑल अवधेश सर को थैंक यू सो मच। हाँ, तो जितनी हमारी राजतिलक की पूरी टीम है, उन सबके तरफ से, हम सबको तो एक एक करके नहीं जोड़ सकते, बट हाँ लॉकडाउन जैसे ही टूटेगा एक साथ हम सब लोग आपके बीच लाइव आएंगे। एंड सबको बहुत बहुत धन्यवाद जितने भी ऑडियंस ने हमारे फिल्मों को देखा, और सभी लोगों का ये कंप्लेन है, और मैं चाहूंगा कि प्रदीप सर या रजनीश सर वो बताएं कि वो ये फिल्म राज तिलक यूट्यूब पे कब आएगी, फुल फिल्म यूट्यूब पे कब आएगी। एक्चुअली ये मेरे पास बहुत 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 सेम क्वेश्चंस मेरे पास भी बहुत आते हैं कि राज तिलक यूट्यूब पर कब आएगी। मैं कुछ लोगों का रिप्लाई दे दूं। प्रिंस सिंह जी, थैंक यू सो मच, आपने जब बंदूक थामा था वो सीन बहुत अच्छा था। और थैंक यू सो मच प्रिंस सर कि आपने वो जो राउंड ट्रॉली का जो क्लाइमेक्स मेरा सीन था, हम और आप साथ में वो शूट कर रहे थे क्लाइमेक्स का, बहुत ही अच्छे से उन्होंने सिनेमेटोग्राफी किया। और आप देखो ना कि जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तब कितनी बारिश हो रही थी, मतलब ऐसे पीरियड पे रिलीज हुई कि जब बहुत बारिश हो रही थी, तो आई गेस हमें अपने डिस्ट्रीब्यूटर का भी थैंक्स कहना चाहिए निशान जी का कि उन्होंने इस मौके पे इस फिल्म को उस हिसाब से बूस्ट अप किया राजतिलक को, जब ऐसे टाइम पर कोई बड़ी फिल्म लोग नहीं लाना चाहते, लेकिन उसके बावजूद भी राजतिलक बहुत अच्छा, बहुत अच्छे बिजनेस किए। एंड रंजन भैया को भी जो उन्होंने प्यारो शिप करके एकदम हर जगह चर्चे मिला दिया था, तो सभी आप तो बिल्कुल छा गए थे, आप तो बिल्कुल छा गए थे। आप पे पहले मैं आती हूँ, अपना खुद का एक्सपीरियंस बताओ ना। एक्चुअली हम लोग अगर थैंक्स करने बैठेंगे दैट्स वेरी ट्रू, तो हम लोग
मोर देन अ टाइम हम लोग अभी थैंक्स सबको करेंगे, तो दिल से सबसे पहले राजतिलक के तमाम लोगों को थैंक्स फ्रॉम स्पॉट बॉय से लेकर के फ्रॉम एसोसिएट डायरेक्टर से लेकर के जितने भी लोग हैं सबसे पहले सबको थैंक्स। और अभी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब ये राजतिलक फिल्म जब रिलीज हुई तो जो लोगों का जो रिएक्शन आ रहा था कि आपका कमाल का परफॉर्मेंस रहा था, कैसा लगा सुन के? देखिए राजतिलक जब फर्स्ट पोस्टर रिलीज हुआ था वो रफ लुक में, वो मेरा व्हाइट कलर का शर्ट था जो कि हम लोगों ने कम से कम 10 शर्ट तो फाड़ दिए थे आग लगा लगा के फिल्म के शूटिंग में ही। तो जब रफ लुक पे पिक जब फर्स्ट लुक रिलीज हुआ तो दर्शकों में उसी समय से एक बोलते ना पॉजिटिव कमेंट्स आने और सारे लोग वेट कर रहे थे। हाँ, जब ट्रेलर रिलीज हुआ और जब फिल्म रिलीज हुई तो उस दिन हम लोग खलीलाबाद में थे और फिल्म के प्रमोशन के लिए निकल भी रहे थे, पराग पाटिल जी के पिक्चर कर रहे थे कलाकार, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी कि फिर प्लानिंग कैंसिल करना पड़ा। बट रिलीज हुई और जब फर्स्ट शो जब लोग देख के निकले और प्रदीप सर से मैं पूछा कि सर क्या रिस्पॉन्स है, तो वो बोले कि बहुत अच्छा। तब वो एक बोलते ना उस टाइम में इमोशनल भी हो गया था और भगवान को बहुत बहुत थैंक यू किया क्योंकि हमारी टीम ने इतनी मेहनत की थी और उस मेहनत को जब पब्लिक देखती है और उसको सराहती है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। हम फिल्म बनाते हैं दर्शकों के लिए और जब दर्शक हॉल में सिनेमा हॉल में जाके देखती है तो वो सारी मेहनत सफल हो जाती है। मैंने देखा था प्रदीप सर ने वो व्हाट्सएप फेसबुक सब जगह उन्होंने शेयर किया था, तो उसमें जो भी लोग निकल रहे थे सब लोग बड़ाई कर रहे थे और दिल से बड़ाई कर रहे थे। तमाम लोग जो भी फिल्में देखे थे तो किसी ने भी नुक्स नहीं निकाला कि इस फिल्म में ये कमी है या वो कमी है। तो राजतिलक मैंने फर्स्ट शो देखा, थैंक यू। हम लोग देख नहीं पाए बिकॉज हम लोग शूट पे थे, लेकिन दो हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया था। अच्छा, अभी जल्दी से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि राजतिलक आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट ये फिल्म साबित रही और ये फिल्म इतनी सक्सेस क्यों हुई, आपको क्या लगता है? देखिए हर फिल्म हर लोगों के लिए खास होती है, सबका कैरियर सबका उसमें इमोशन सबका प्यार उसमें जुड़ा रहता है, प्रोड्यूसर का पैसा लगा रहता है, रजनीश सर का कैरियर सबका कैरियर एक साथ था। तो ये फिल्म हमारे लिए बहुत ही खास थी क्योंकि मैंने बताया ना कि ये चैलेंजिंग था मेरे लिए और उस चैलेंज को मैंने मैंने क्या सभी लोगों ने मिलकर सुशील भी हमको सेट पे खड़े होकर बताते थे कि बउआ मैंने देखा था। मेरा एक ये इसको अच्छाई बोलिए या सब लोग बहुत प्यार करते हैं हमसे, छोटा बाबू ही समझ के, छोटा भाई ही समझ के और सारे लोग मैं क्या सीखता हूँ सबसे और मुझे सीखने की चाहत, हम सब लोग जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा सीखते हैं क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने भी बोला है कि हमें रोज कुछ ना कुछ सीखना है, तो मैं बस वही बात को फॉलो करता हूँ और छोटी चीज भी मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, क्यों ना मैं उनका। आपने मुझसे क्या सीखा? आपने मुझसे क्या सीखा? हम लोग तो राजतिलक में उतना नहीं, मैं सीरियसली बताऊं हम लोग गाने में ही मिले थे, मुंबई में मिले थे, बाकी तो इतनी धूप थी सब लोग आते थे फिर वैनिटी वैन में चले जाते थे। सीन होता था ऐसा लगता था कि जल्दी से सीन कंप्लीट हो और भागे वैनिटी वैन में। मई के गर्मी में इतना माई गस 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आर पार हम लोग शूट कर रहे थे। तो ये फिल्म जब लोगों ने देखा, कई सारे दोस्तों ने मुझे बोला कि नहीं ये फिल्म में लुक तुम्हारा अच्छा है और जब इस फिल्म से ये मुझे मालूम चला और देख के भी दर्शकों के रिस्पॉन्स से कि नहीं जो मेहनत करेगा तो कुछ भी हासिल कर सकता है। सही बात है, जो मेहनत करेगा वो कुछ भी हासिल कर सकता है, तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत हुआ था। अच्छा अब ये बताओ कि एक लाइन में आप रजनीश सर के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपने उनकी तमाम फिल्में उन्होंने किया और आपने देखा भी था उनकी पहली फिल्म भी बहुत हिट हुई, तो एक लाइन उनके लिए। उनके लिए जितनी तारीफ करे कम होगी क्योंकि वो इसलिए मुझे पसंद है क्योंकि जिस क्षेत्र से मैं हूँ इस लाइन में आया हूँ, अगर एज ए एक्टर में नहीं आया हूँ एज ए सिंगर आया हूँ, तो वो मेरे मिजाज वाले हैं, वो म्यूजिक डायरेक्टर हैं, तो मजा आता है क्योंकि सेट पे कुछ ना कुछ गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे और गाते गाते कब सीन करा लेते थे और उनका म्यूजिक सेंस जितना तारीफ की जाए बहुत अच्छा है और म्यूजिकली फिल्म बनाया। और उनका एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, वो नेचुरल एक्टिंग कराते थे। हम लोग जब वो शादी के लिए मैं जाता हूँ और जब वो कितना बेर समझाई, मेरा एक डायलॉग था कितना बेर समझाई कि किस करना भी एक कला है वो बहुत फैंटास्टिक लाइन था तो मैं जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि बउआ
मुंह ऐसा बनाने के लगे कि मतलब रूसर बड़ा, तो हम रूस के जा रहे, तो भाई नॉर्मली आदमी कोई भी रूसता है तो थोड़ा सा मुंह ना ना और बबुआ लिखा हो जाए, वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि नेचुरल एक्टिंग कराते, तो मैं बबुआ जैसा मुंह बनाए भी हूँ और वहां पे काफी लोग हंसते भी हैं। प्रदीप सर के लिए क्या, प्रदीप सर और अनीता मैम दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रदीप सर और अनीता मैम के लिए बस यही कहना चाहेंगे कि बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि इतने में पिक्चर बना लेना है, मुझे इतने में ही पिक्चर बना लेना है, कल्लू है या कोई भी है तो देखना यार थोड़ा सा ऐसे करना वैसे, लेकिन उन्होंने जो फिल्म में, मैं नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े स्टार हैं हमारे इंडस्ट्री में, उनके फिल्मों में जो प्रोडक्शन वैल्यू होती है वो हमारे भी फिल्मों में लगा है, कमाल का प्रोडक्शन वैल्यू हमारी, हाँ मतलब कोई भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, चाहे ये लगे कुछ भी लगे, खाने गाने पीने का हो गया, हाँ। सेट का हो गया, खाने पीने का, मतलब कुछ भी, ऑन एंड ऑफ कैमरा हम लोग बहुत आराम से रहे, एंड इन फैक्ट पेमेंट सबसे पहले एक्टर्स के लिए, एक्टर्स के लिए पहले पेमेंट इम्पोर्टेंट होता है, एंड यू नो फुल पेमेंट इमीडिएटली दे देना किसी का, एक रुपया भी कम नहीं करना। मैं बता दूं आपके माध्यम से कि मुझे कुछ अधिक ही पैसा मिला था। ओह वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं भाई खुश हो गए थे, हम बोले कि चलिए आशीर्वाद, बोले मिठाई खाने के लिए ले लो भाई, तो मुझे कहीं ना कहीं खुश मिला था और मैं खुश था, पहले ऐसी फिल्म में डबिंग के पहले ही अधिक पैसा मिल गया था तो खुश। हाँ खाने पीने की रही बात, तो 45 डिग्री सेल्सियस में हम लोग कर रहे थे और एनर्जी हाँ। ड्रिंक से लेके क्या खाओगे, बस मुंह खोलो और एकदम सामने आ जाती थी, तो सारे और जब तक अनीता मैम थी तो तब तक ऐसा लग रहा था कि हम सभी को वो बिल्कुल अपने बच्चों की तरह केयर कर रही थी, वो हर समय सेट पे ही रहती थी, वैनिटी उनके लिए रेडी रहती थी, लेकिन फिर भी वो वैनिटी के अंदर नहीं जाती थी, उनको बस देखना होता था कि सारी चीजें सब कुछ सही से हो रहा है कि नहीं, तो एक फैमिलियर टाइप का रिलेशन, फैमिलियर टाइप का वहाँ पे रिलेशन बन गया था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग पिकनिक मनाने गए, एक फैमिली है वहाँ पे शूटिंग कर रहे हैं और कब शूटिंग खत्म हो गई पता ही नहीं चला। और ये फिल्म का, ये फिल्म का एक गुड लक भी है कि जितने भी तमाम एक्टर्स हैं सारे लोग अपने में मंझे हुए कलाकार और सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ही अच्छा काम। एक क्वेश्चन आपसे कि राज तिलक का सबने सब गाना आपने बहुत अच्छा गाया, तो आपका फेवरेट गाना कौन सा है? हाँ मेरा फेवरेट गाना है, पहले पहले तो सारे बताओ कौन सा। हाँ वैसे तो सारे सॉन्ग अच्छे हैं उसमें के, कमर्शियल से लेके सैड है, कव्वाली है, सब अच्छे हैं, सब तरीके का गाना है उसमें। अभी जो माहौल चल रहा है लॉकडाउन में, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है अभी जो इसका यूज कर रहे हैं, जैसे आप हैं हम हैं यहाँ पे, आप हैं वहाँ पे, तो अगर हम इस माहौल में या उस समय भी, शुरू से मेरा वो वन ऑफ फेवरेट सॉन्ग था। मैं चाहूंगा कि वो थोड़ा सा दो लाइन गुनगुना दूं क्योंकि बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि भैया प्लीज प्लीज प्लीज, और कहीं ऐसा ना हो कि शायद आप वही गाना आपका फेवरेट है जो अभी आपको लाइव लेने से पहले मैंने गाया था। मैं देखता हूं। सबको हेलो, सबको नमस्ते, सबको प्रणाम। अगर रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो, सबको रिप्लाई नहीं दे पा रहे हैं तो इसके लिए सॉरी भी, क्योंकि हम लोग बहुत दिनों बाद मिले हैं तो सबको मैं रिप्लाई दे के ही जाऊंगा, भैया बहुत फनी है, थैंक यू सचिन रावत जी। तो एक लाइन क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोग को भी हम लोग एंटरटेन करते चले। हाँ सही बात है। कुछ हम के पता चलते नहीं खे, ये कौन बीमारी थैले बा, कुछ हम के पता चलते नहीं खे, ये कौन बीमारी थैले बा, मन भरते नहीं खे बतिया से, मन भरते नहीं खे बतिया से, दिल आज बेडरामा कैले बा, कुछ हम के पता चलते नहीं खे, ये कौन बीमारी धैले बा। मैं आपको बता दूं कि आपको लाइव लेने से पहले मैंने यही गाना गाया था। अच्छा। और उसका पिक्चराइजेशन सेम था कि हम लोग ईयरफोन से बात करें, तो उस गाने का पिक्चराइजेशन भी यही कुछ था स्टार्टिंग का। तो आप कुछ कह रहे थे अभी मन नहीं भर रहा, हम लोग कितना भी बातें करें लग रहा है बातें खत्म नहीं हो रही है। प्रभाकर मिश्रा जी थैंक यू, अस्मिता जी थैंक यू,
आरके जी थैंक यू, सबको थैंक यू सो मच, आप लोग इतने लोग जुड़े हुए हैं और सारे लोग मैसेज कर रहे हैं। राज तिलक का सारा सॉन्ग यूट्यूब पे एंटरटेन चैनल पर रिलीज हो चुका है, यशी फिल्म में भी है और यूट्यूब पे फुल फिल्म जब भी आएगी हम सारे लोग एक बार फिर से लाइव आएंगे और आप सबको बताएंगे। वेरी ट्रू, मैं भी